विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति कि हम इस बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। आपने सुना एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ खंडवा लोकसभा से जीत कर जाएगी और क्षेत्र का विकास और गरीबों का कल्याण यही मेरी सबसे बड़ी लक्ष्य। 29 की 29 सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 कमल के फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। सब चीज आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही है। काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही है। पहली लिस्ट आ गए कहानी में कई ट्विस्ट। तो जिस बात का इंतजार था वो लम्हा आ गया बीजेपी के लिए। पहली लिस्ट आई और पहली लिस्ट की बड़ी बातें। कितने उम्मीदवार? 195। कुल मिलाकर 18 राज्यों में नामों का ऐलान हुआ। 18 राज्य कैंडिडेट्स। केंद्रीय मंत्री 34 जिनको टिकट मिला, पूर्व मुख्यमंत्री 2 चेहरे हैं जिनको चुनावी रण में उतारा जा रहा है और महिला 28 प्रत्याशी इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में। दावा यह कि युवा 47, वैसे युवा जो है राजनीति में वो 70 साल तक होते हैं। खैर, ओबीसी 57, एससी 27 और एसटी चेहरे हैं 18 पहली लिस्ट में। अब जो उम्मीदवार है पहली लिस्ट में उनका भी जिक्र कर लेते हैं। अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू को उतारा गया है। किरण रिजिजू जो है वो मंत्री भी है। कोरबा से सरोज पांडे, चांदनी चौक से प्रवीण खंडवाल, गांधीनगर से अमित शाह, गोंडा से निशिकांत दुबे अक्सर विवादों में रहते हैं लेकिन फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी, ये चेहरे आपके सामने। कोरबा का हमने जिक्र किया, हमने जिक्र किया चांदनी चौक का। ये चेहरे जो एक एक करके आ रहे हैं लिस्ट में सबके नाम है। और अमित शाह गांधीनगर से कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। गोंडा से डॉक्टर निशिकांत दुबे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का नाम है, भोपाल से आलोक शर्मा का नाम है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, विदिशा, इस विदिशा की कहानी भी अलग है बताएंगे आपको, आगरा एसपी सिंह बघेल यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा, उन्नाव साक्षी महाराज उनको भी टिकट दिया गया, रवि किशन गोरखपुर, आजमगढ़, दिनेश लाल यादव निरुआ, ये तमाम चेहरे। और उत्तराखंड से बड़ी खबर आई कि 3 चेहरे पार्टी ने रिपीट किए। टिहरी से मालाराज लक्ष्मी शाह पहले भी सांसद रही, उनको वापस टिकट दिया। अल्मोड़ा से अजय टमटा पहले भी सांसद थे, उन्हें भी टिकट दिया। और नैनीताल से अजय भट्ट
ये तीनों चेहरे रिपीट हुए, यानी कि पौड़ी और हरिद्वार सीट जो बचती है वहां पर चेहरे बदलेंगे, ये तय माना जा रहा है। ये रहा उत्तराखंड का हाल। अब दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो सियासत में, दिल्ली में सबसे ज्यादा सियासी भूकंप के झटके महसूस हुए। सियासी भूकंप की बात कर रहा हूं, सियासी भूकंप क्यों वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले कैंडिडेट्स के नाम सुनिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी सुषमा स्वराज की, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बदूड़ी और चांदनी चौक से प्रवीण खंडवाल। कटा किस किस का टिकट, किस किस का टिकट कटा? रमेश बिदूड़ी, पहले लक्ष्मी नारायण यादव का जिक्र कर लेते हैं, सागर से आते, उनका टिकट कटा है। रमाकांत विदिशा से आते हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री लड़ेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से, उनका भी टिकट कटा है। लेकिन ये देखिए ना, रमेश बदूड़ी दक्षिण दिल्ली टिकट कट गया, प्रवेश वर्मा पश्चिम दिल्ली टिकट कट गया, डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक टिकट कट गया, मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली टिकट कट गया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल टिकट कट गया। ये बड़े चेहरे, और इन्हीं बड़े चेहरों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली लिस्ट में क्या बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग इस बात का ख्याल रखा, और इन्हीं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए क्या 195 उम्मीदवार जो चुनावी रण में पहली लिस्ट में नामों का ऐलान किया है, कुछ राज्य ऐसे जहां पर होल्ड कर दिया गया है, बिहार महाराष्ट्र, केंद्रीय मंत्री जो हैं उन पर भरोसा जताया, लेकिन नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जबकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनावी रण में उतारा गया है। तो अब सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार इस पहली लिस्ट के मायने क्या है और किस तरह से बीजेपी ने पहली लिस्ट में सियासी संदेश दिया है। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। हमारे साथ डॉक्टर एस के दुबे साहब समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है, और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुद्र प्रताप जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। तो हैरान करने वाला लिस्ट में, कई चौंकाने वाले, मैंने कहा सियासी भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली में खास तौर पर। नए रुद्र प्रताप जी, इस लिस्ट को देखकर पहली प्रतिक्रिया आपकी? रुद्र प्रताप जी मेरी एक गुजारिश है, अगर फोन आप अपने पास रख पाए, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा। जी रुद्र प्रताप जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट, अभी कनेक्ट करवा रहे सर, ऑडियो नहीं आ पा रहा। जाटव जी, सर बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। आखिरकार लिस्ट आई गई, आप इस लिस्ट को देखकर चौंकेगी नहीं, सरप्राइज जो आप लोगों की देने की आदत है, आप सरप्राइज हुए कि नहीं? एक सौ 195 हमारे उम्मीदवार तय किए हैं पार्टी ने, मैं उन सबको बधाई देता हूं, और वो इस जंग में उतरे और बेहतर, बहुत अच्छे परिणामों से शत प्रतिशत जीत करके आए। ये जो आज सूची है, किसी भी सूरत में इस सूची को कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि बेहतर से बेहतर जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको चुन करके जो है अभी 195 की जो माला है
वो बना करके तैयार की गई है। इसमें उन सब लोगों की चिंता की गई है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से आते हैं, और सब अधिकांश वो चेहरे हैं जो पहले से ही अपना एक बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और पीछे सरकार को वो बेहतर से बेहतर जो है परिणाम दे पाए हैं। सर, इसमें से कोई सरप्राइजिंग फैक्टर आपको दिखाई दिया? आप सरप्राइज हुए? कोई ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर आपको इस लिस्ट में? जो भी कुछ नए चेहरे आए हैं वो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हर एक इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, समय आने पर उनका उपयोग भी किया जाता है। तो जो नए चेहरे आए हैं, अच्छा लगा वो चेहरे आए हैं, और आने वाले दिनों में दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें और भी चेहरे नए होंगे। पहली लिस्ट में कई ट्विस्ट भी हैं कि नहीं? कैसे ट्विस्ट? कई धुरंधरों का टिकट कट गया सर? सभी कार्यकर्ता धुरंधर हैं, सभी कार्यकर्ता देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। इसमें धुरंधर अलग तरीके से आंकना या मापना, ये तो पैमाना भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं। अच्छा, हर एक कार्यकर्ता जो है। तो आपको रमेश भदौड़ी का टिकट कटा उसका दुख है? नहीं, रमेश भदौड़ी हमारे पुराने कार्यकर्ता है। हाँ। उनकी जगह दूसरे को जो टिकट मिला है वो भी हमारे कार्यकर्ता नहीं, कोई वजह तो होगी ना, तभी तो रमेश भदौड़ी जी का टिकट कट गया हो। ऐसे आकलन नहीं किया जा सकता कि हम टीवी पर बैठ करके और ये देखें कि क्या उनको हो सकता है कि संगठन में कहीं किसी स्थान पर लगाया जाए। अनुभवी चेहरा है? नहीं, अनुभवी तो है, तभी तो आपने प्रमोशन करके उनको चुनाव प्रचार में उतारा था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दानिश अली वाला प्रकरण जो था इस वजह से पार्टी नाराज हुई? सब चीजें ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता संगठन में जरूरी होती है। अच्छा, ऐसी कोई वजह नहीं, लोगों को टिकट मिल गया। अच्छा, प्रवेश वर्मा जो अक्सर जो आक्रामक रहते हैं उनका भी टिकट कट गया पश्चिमी दिल्ली से, आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ाने का भी तो उनको चुनाव लड़ाना भी तो है। अब वो जो जिनको टिकट मिल गया वो चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने जिनका टिकट नहीं मिला है वो सब चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मैं नहीं मानता कि टिकट मिल गया तो अब सब कुछ पा लिया और टिकट नहीं मिला नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन भी किनारे लग गए, अब तो उनका भी टिकट कट गया चांदनी चौक से। कोई किनारे नहीं, उनका अनुभव जो है पार्टी के विस्तार में और सुदृढ़ता करने में काम आएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन जी हुए, रमेश भदौड़ी जी हुए, प्रवेश वर्मा जी हुए, ये मीनाक्षी लेखी जी हुई, और ये कार्यकाल नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का भी। हाँ बिल्कुल, तो ये एक अनुभवी चेहरे हैं, तो इनको इनको यूटिलाइज कर पाएंगे हम संगठन के विस्तार में चुनाव के। अच्छा, एक सवाल फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनली आपने जो है इस लिस्ट को देखे और समझे तो जाटव सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, आपने वाकई इस बार दिल से माफ नहीं किया उनको? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि आप किस आशय से पूछ रहे कि दिल से माफ नहीं किया। वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया भोपाल से। मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छी कार्यकर्ता है, उन्होंने तमाम जो है संघर्ष किया, अपने क्षेत्र में काम करा उन्होंने, और उसका उनको जो है लाभ भी मिला। अब नहीं, लाभ तो मिला लेकिन लाभ का फायदा नहीं उठा पाए, तभी तो टिकट कटा होगा ना सर। नहीं तो किसी दूसरे स्थान पर उनको यूटिलाइज किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो सांसद बना करके ही यूटिलाइज किया जाए। उनके अनुभव का जो है वो दूसरे योजनाओं में उसका लाभ लिया जाएगा। ठीक ठीक। रुद्र प्रताप सिंह जी, अब मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है जी, आपकी आवाज भी आ गई। पहली लिस्ट कई ट्विस्ट, वो कह रहे हैं कि जिनका टिकट कटा है उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। ये बात उनकी सही है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि बीजेपी में टिकट कटने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ मचने वाले स्थित है, और अगर केवल दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे वही लिस्ट आई है जो लोगों को उम्मीद थी। थोड़ा सा यूपी से ऐसा लग रहा था कि सीटें, मतलब बहुत सारे लोगों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन यूपी भी ऑलमोस्ट वही लिस्ट आई है जो पहले से थी। तो मुझे ऐसा कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं। अभी जो आप प्रज्ञा ठाकुर का पूछ रहे थे, तो प्रज्ञा ठाकुर राजनीतिक रूप से कोई इतनी सक्रिय थी नहीं पिछले 4-5 सालों में। वो तो एक आपने देखा होगा 19 में उन्होंने उनको टिकट दिया था, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थी, तो उनके टिकट
को आगे कंटिन्यू करना मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बहुत मतलब बीजेपी के लिए आवश्यक था। एक चीज मुझे बहुत मतलब अलग सी लग रही है, क्योंकि जो दिल्ली में जो आप देख रहे हैं कि जो 5 सीटों में से 4 सीट बदल दिए गए हैं, और जो 2 सीट हैं वो भी लगभग बदलने ही वाले हैं, कोई भी आएगा तो नया चेहरा आएगा, तो इसमें लगभग 6 लोग बदल जाएंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं बीजेपी की विधानसभा की रणनीति लग रही है कि बीजेपी की एक जो कमी थी कि जो बीजेपी की मजबूत और कद्दावर नेता थे वो विधानसभा में नहीं होते थे, तो विधानसभा बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता था। और आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये उस रणनीति मतलब वो चेहरे की तलाश है कि विधानसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा में तो आप जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, और उसमें जीत पाना आसान है विधानसभा के मुकाबले से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4-5 अनुभवी लोग हैं जिनके टिकट अभी नहीं दिए गए हैं उनको विधानसभा की तैयारी के लिए लगाया जाएगा, और उनको पहले मैसेज दे दिया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कोई बहुत सरप्राइज एलिमेंट है कि उन्होंने लिस्ट देखा और उनको लगा कि बहुत अलग सा हो गया है। संदीप त्रिपाठी जी कैसे आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप तो कह रहे थे कि नाम नहीं, ये तो एक साथ 195 की लिस्ट जारी कर दी इन्होंने। नहीं, ये 200 जारी कर दें, पूरी जो है पूरी एक साथ घोषित कर दें, देखिए पार्टी का इंटरनल मामला है, इनकी पार्टी का बहरान चाहे जिसको लड़ा है, अब ये तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं नहीं, आप लोगों की तो खिचड़ी नहीं बन रही थी तो उन्होंने नहीं, पकवान सब बना हुआ है, हम सब जो है लाई लाई चना चबा कर मोदी जी को भगाने की तैयारी कर रहे हैं, आप सब देरी तक पहुंच गए हैं, फिर भी आगे की बात है। बात ये है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों के टिकट काट रही है, मतलब वो ये मान रही है कि उनके सांसद फेलियर है, वो फेल हुए हैं, उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मोदी जी का टिकट तो कोई काट नहीं सकता, नहीं उनकी स्वयं कट जाती, क्योंकि मैं तो बहुत बार पूछता हूँ कि मोदी जी दुनिया भर की बातें मत बताइए, मोदी जी के समर्थक मोदी जी के प्रवक्ता सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी जी बनारस से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक नीति है 1 साल में 1 सांसद 1 गाँव को डेवलप करेगा, मोदी जी के वो 10 आदर्श गाँव पहुंचते हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अपने खुद के 10 गांव डेवलप नहीं कर पाते हैं तो खुद ही फेल है। अब यह है कि भाई ताना शाह का टिकट तो कोई काट नहीं सकता है, अब दूसरे की टिकट काट देंगे वो, लेकिन त्रिपाठी ये तो सब बातें चुनाव में होंगी ना, किसका गांव गोद लिए और फिर उसके बाद वो गांव गोद लिए बड़े हुए या नहीं हुए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो लिस्ट जारी कर दी, आपका रायबरेली और अमेठी तो कम से कम कंफर्म है ना कि कौन लड़ेगा कि नहीं अभी? नहीं सर, देखिए हर एक पार्टी की अपनी अपनी नीतियां होती हैं, हम लोग के यहाँ तो एक एक सीट पे 4-4 उम्मीदवार हैं, जिसको जो है हमारी पार्टी और बहुत सारे सर्वेज आए हुए हैं, सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर रणनीति के आधार पर कौन। अरे तो रायबरेली और अमेठी में अभी फाइनल नहीं है कुछ? नहीं देखिए राजनीति में कोई चीज कहीं पर फाइनल नहीं होती है। अच्छा, फिर आप बात समझिए। अब मोदी जी अब तमिलनाडु से भी लड़ना है कि नहीं लड़ना, अभी कोई हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल से हो सकता है कि मोदी जी तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं हो सकता है तो राहुल जी भी वायनाड से भी लड़े, और वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही। अमेठी से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे ना जी, बिल्कुल। हाँ तो ये बोलिए ना, इतना कॉन्फिडेंस लो क्यों है आपका, खुलकर बोलिए कि लड़ेंगे अमेठी। अरे तिलक जी कॉन्फिडेंस नहीं हिला हुआ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की और बहुत सारे उन्होंने सांसदों के टिकट काटे हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि उनका पार्टी का मसला है, उन्होंने टिकट घोषित की है, प्रत्याशी जो है ठीक है, हार की जीत की जो भी है बधाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप अपने प्रत्याशी पूर्व सांसदों के टिकट जनता 75 साल का क्राइटेरिया या अन्य क्राइटेरिया कोई ऐसा है कि इसकी वजह से वो बाहर हो रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि वो सांसद फेल है आपकी निगाह में, तब आप उनका टिकट काट रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जाते वैसे पूछ लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब को चर्चा में लाऊं। डॉक्टर साहब कैसे आप, डॉक्टर साहब कैसे लगी आपको बीजेपी की पहली लिस्ट? अच्छी है, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति के अनुसार वो पार्टी कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, लेकिन अफसोस इस बात का है
कि भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन की जो बात करती है महिलाओं का, वो आपने देखा होगा कि वो 33 का भी 50% कर दिया है अभी, 28 को दिया, अभी तो पहली लिस्ट आई है सर, 28 को दिया नहीं, हम तो उसी के अकॉर्डिंग 28 अगर 200 लगभग 200 मान लीजिए ना, तो 200 का 33% कितना होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा ठीक है अभी, अब उस हिसाब से 66 सीट होनी चाहिए थी, 66 नहीं तो 60 तो आप मानिए, अब 60 में भी आप भी देते हो ना 66 सीटें महिलाओं को, हमने हमेशा ये कहा है कि महिलाओं की भागीदारी हो, हाँ, लेकिन वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाँ, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम 10% देंगे कि 15% देंगे कि 33% देंगे कि 50% नहीं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है ना कि डिंपल यादव जी को अगर आप टिकट दे दे तो कहें कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप पहली लिस्ट पर आइए, नहीं नहीं, हाँ बोलिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की पहली लिस्ट आपको कुछ, क्योंकि जाटव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही रहता है सरप्राइज, इसमें हम आपको कई ऐसी सीट बता सकते हैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, हाँ, जो बीजेपी ने अपनी उस पे हार लिख दी है, इस सीट, हाँ, बताइए कौन कौन सी है, डिक्लेयर किया, जैसे मेरे होम टाउन की इटावा है, आप लिख लीजिए 101% इटावा हारेंगे, ये क्यों, कन्नौज 101% हारेंगे, आजमगढ़ 101% हारेंगे, बस्ती 101% हारेंगे, ऐसी कई सीटें हैं, मैं आपको बता दूं वहां पे इनके कैंडिडेट का बहुत ज्यादा विरोध है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, अभी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा की 101% सीट हारेंगे, आप देख लेना आज नहीं तो कल जब होगा, और इनके उनके अभी चक्कर क्या है, भारतीय जनता पार्टी में खोआ हो गया माननीय नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे उसके सामने कोई उफ नहीं कर सकता, आप बधाइयों बधाइयों पे भी आइए ना, कोई एक मिनट पूरी चाचा फंस रहे हैं क्या बधाइयों में, उस दिन आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी को माला अर्पण किया जा रहा था तो राजनाथ सिंह माला के अंदर आ गए, लेकिन सामने वाले ने आंखें दिखा दी तो तुरंत एकदम झटके के साथ पीछे आ गए, आप सोचिए एक इतना बड़ा शख्सियत, एक इतना बड़ा नेता जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, ये तो देश की सियासत है, पिता और पुत्र में भी बहुत कुछ हो जाता है मंचों के ऊपर राजनीतिक लिहाज से, है ना, वो तो होता रहता है, लेकिन फिर आप संस्कार की बात करते हैं, फिर आप सिस्टम की बात करते हैं, वो भी मत कीजिए, फिर आप कहिए ना राजनीति है, चलता है सब कुछ, हम स्वीकार करेंगे नहीं, अब ये सीटों पर आइए ना, सीटों पर आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी सीटों पर पेच फंसा है बीजेपी का जो आप बता रहे हो, नहीं तो मैं ऐसी कई सीटें बता रहा हूँ ना, ऐसी कई सीटें हैं कि जहां से ये हारेंगे, अब ठीक है इनकी इंटरनल रिपोर्ट क्या होगी मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो इंटरनल सर्वे भी कराता है तो ठीक है उनकी, हाँ। लेकिन नहीं हारेंगे तो आपने तब भी कहा था जब बहन जी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था बीएसपी और सपा का, तब आप लोगों ने कहा था कि 80 में से 65 तो फाइनल है 65 इसमें से जातीय समीकरण और सब समीकरण मिला के, मैं मिला संख्या की बात नहीं करूंगा, हाँ। संख्या की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश की आज की जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी घुमा देगी, ठीक, पहले जाटव जी अपनी बात रखेंगे फिर आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास, बोलिए जाटव जी, वो ये कह रहे हैं मैं लिख के दे सकता हूँ कौन कौन सी सीटें आप हारने वाले हैं, ये ठीक उसी तरह जैसे सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ था तब इन्होंने लिस्ट बनाई थी और कहा था कि 65 तो आई गई हमारी, देखिए जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि फला फला सीट जो है भाजपा हारेगी, मगर ये नहीं बताया उन्होंने कि वहां पे जीतेगा कौन, क्योंकि जिस हिसाब से आपका गठबंधन है वो दोनों के वोट मिलाकर के भी कहीं भी भाजपा के वोट बैंक जो पहले का वोट है उसको छू भी नहीं रहे, तो एटलीस्ट ये बताते कि कौन जीतेगा, क्योंकि जिसके साथ में इस वक्त में इनका अलायंस है मुझे नहीं लगता कि वो इतना मजबूत है कि ये अलायंस के साथ में मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी खोल पाएंगे, स्थिति इनकी बहुत खराब है, शायद ये भाजपा का नाम ले दिया मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी कहना चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर शक्तियां हारेगी, क्योंकि जिस तरीके का जो वोट मुस्कुरा रहे हैं
जो पुराना वोट का जो स्ट्रक्चर है हाँ। वो तो एटलीस्ट इनको कहीं से जिताता हुआ नहीं दे प्रतीत हो रहा हाँ। और सही मायने में एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो पुराने जो पर्चे होते हैं पेपर होते हैं उनको देख करके भी आगामी परीक्षा का एक आकलन कर लेता है हाँ, दुबे जी जल्दी से दुबे जी वो ये कह रहा है कि हमारा तो 50% से ऊपर वाला मसला है, आप तो सब मिलाकर भी 50% के आसपास भी नहीं हो। इंदिरा इंदिरा गांधी जैसी एक परपक्व नेता पब्लिक ने धुआं उड़ा दिया था, शाइनिंग इंडिया पब्लिक ने धुआं उड़ा दिया था, और ठीक वही पैटर्न आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है हाँ। और भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। जाटव जी हाँ सही बात कह रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है और चारों तरफ जो है भगवान राम की बयार बह रही है हाँ। और जो राम राज का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है, पूरा देश जो है राममय है और जिस तरीके से सबकी आस्था और सबका एक ही स्वर वो इस वक्त में मोदी जी को जिताने के लिए तैयार है। जाटव जी आपकी ना मैं एक बात समझ नहीं पाया, यहाँ तो लिस्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी ना, भगवान राम का जिक्र कहाँ से आ गया? नहीं, भगवान राम के बगैर तो कुछ भी शुरुआत नहीं करते। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, तो भी चीज में तो भगवान राम के नाम पर कब तक वोट मांगोगे आप? नहीं भगवान राम के नाम पर तो सारा जीवन कई कई जीवन जो है वोट मांगेंगे। आपने क्या सोच लिया कि मंदिर बन गया तो राम का नाम लेना बंद कर दिया, तो राम का नाम लेना है? नहीं वो तो ठीक है, पहले से लेते आ रहे थे, राम का नाम आगे भी लेते रहेंगे। नहीं ठीक है, आप कह रहे हो कि पूरी जिंदगी राम के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन ठीक है अच्छी बात है प्रभु राम के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन फिर आप इस लिहाज से तो धर्म की राजनीति करेंगे ना कि नहीं? देखिए हम तो सांस लेते हैं वो राम के नाम पर लेते हैं और सांस छोड़ते वो भी राम के नाम पर छोड़ते हैं हाँ। जब हम जन्म लेते हैं तब भी राम के नाम नहीं, पर, और जब तो ठीक है आपकी बात है तब भी राम के नाम हो सकता है सर, त्रिपाठी जी पूजा करके घर से निकलते होंगे बगैर हम कुछ एक साथ। मैं आपकी बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्रभु राम के नाम पर वोट मांगेंगे तो इसका मतलब ये होना कि धर्म की राजनीति करेंगे आप कि नहीं? हम तो अगर इसको धर्म की राजनीति कहते हैं तो हाँ हमें स्वीकार है कि ये राजनीति धर्म की हम करेंगे। हम राम को अपना आस्था नहीं, हमारे परम पिता के रूप में हम उनको देखते हैं और उनके बगैर हम अधूरे हैं। हम तो मतलब उनके बगैर अधूरे हैं, उनके बगैर हम जो है कहीं कुछ भी नहीं करने वाले। हमने जो भी काम करना वो प्रभु राम का नाम लेकर के करना। नहीं वो तो ठीक है, प्रभु राम का नाम लेकर हम भी ऑफिस में घुसते तो प्रभु राम का नाम लेकर ही घुसते हैं है ना। इसका मतलब आप धार्मिक हो? धार्मिक सर मेरे नाम ही में तिलक है। अब आप सर्टिफिकेट दे दो वो बात अलग है, मेरे तो नाम में तिलक है। तो फिर आगे नाम तो मेरे नाम में तिलक है सर। आप तो आप ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हो लेकिन मैं ये वाला मसला नहीं है कि मेरा निजी मामला। मैंने जाता सर वो मेरा निजी मामला है, मैं इधर क्यों बोलूं कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलोकु जाकर, और वो भी आपके कहने पर क्यों बोलूं? मैं बोल ही नहीं रहा कि आप ये बोलो। हाँ तो सर ये मत बोलिए ना कि आप हाँ, तो, हम तो हर वक्त बोल रहे हैं, वो हर किसी का निजी मामला है। हम तो हर वक्त बोल रहे हैं और राम के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे और राम के नाम पर ही जीतेंगे। चलिए ठीक है सर, आप प्रभु राम के नाम, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हो नहीं प्रभु राम के नाम पर, विकास भी राम के नाम पर करेंगे। ओके विकास भी प्रभु राम के नाम पर करेंगे। ओके 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 त्रिपाठी जी पहले आप फिर रोज प्रताप जी आपके पास आऊंगा। बोलिए त्रिपाठी जी क्या कहना चाह रहे थे आप? वो कह रहे हैं हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है, विकास प्लस प्रभु राम जी सर, विकास 400। देखिए राम भगवान जो है दो चीजें आप समझिए, आप किसी देवस्थान पे जब जाते हैं तो कुछ लोग मूर्तियां बेचते हैं भगवान की तो वो व्यापारी होते हैं, और कुछ लोग वहीं पर पूजा करने वाले मिल जाएंगे उसी दुकान के सामने ही, वो अपना बैठ के जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, राधे राधे राम राम सीताराम 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 सीताराम। तो ये वो बेचने वाले मूर्ति बेचने के तो धर्म व्यापारी है सर, पुजारी नहीं है। ये धर्म के राम जी के चट्टे हैं, राम जी को चोरी के नए सिद्धांत मानने वाले लोग हैं। मुद्दे पे आई ना त्रिपाठी जी, अब ये राम की बात चली है सर तो थोड़ा इनको बताते हैं कितने बड़े रामवादी हैं, कितना राम को मानने वाले हैं, कितना राम राज की परिकल्पना साकार कर रहे हैं, थोड़ा सा बता लेने दीजिए। अभी तक तो इनका 10 मिनट हम लोग यही सुन रहे थे, मोदी चालीसा राम जी के नाम पर मोदी चालीसा का पाठ करेंगे, ये बता रहे खुले राम, इनके पास और कुछ है नहीं सर। मतलब आप समझिए इन्होंने काम नहीं किया, अडानी की चौकीदारी करने वाला व्यक्ति जैसे आप समझिए जो छुपकली कीड़ा खाती होगा सर। त्रिपाठी जी आपकी लिस्ट कब तक आ रही है?
नहीं सर हमारी आएगी, वो जनता लड़ेगी चुनाव, संदीप त्रिपाठी से लेके कोई खड़ा हो जाएगा वो जो है कांग्रेस। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, मैं जो जैसे हिमाचल में हो रहा है और झारखंड में हो रहा है, ठीक वैसे ही ना। अब बड़ा का ताला लगा दीजिए आप, तिलक जी आप डाइवर्ट करके जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि आपकी भी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। मुझे थोड़ा सा उतार लेने देते तो ठीक था, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ। हिमाचल सर बड़ा ताला लगा ले, लेकिन अगर चोर जो होता है ना सर, कभी जाली काट के घुस जाता है, किसी राज्य में किस किस राज्य में कितनी कितनी सीटें मिल गई आपको, ये तो बता देते जी। टिकटें मिल गई, सीटें मिल गई आपको, पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें आपको मिली है कि नहीं मिली है चुनाव लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश में तो आपके पास कुल 17 सीटें आई है, क्या नाम है पश्चिम बंगाल में भी कुछ आपके घटक ने, साथ ही घटक ने कुछ दिया या नहीं दिया? सुनिए नहीं, वहाँ के एक बहुत बड़े अपराध को संदेश खाली को आप सहन भी कर रहे हैं, मुंह बंद करके बैठे हुए भी हैं, वहाँ पर कुछ मिला मुंह बंद करने का लाभ मिला कुछ? सुनिए ना, वहाँ पर जो महिलाओं के साथ दुराचार हुआ उस पर मुंह बंद करके बैठने का कुछ लाभ मिला आपको या नहीं? आपको टिकट मिले, सीट मिली या नहीं मिली? बन जाएंगे तुरंत, संदेश खाली भूल जाओगे, बेसर्मी से बात करके लिए वापस आ गए या नहीं वापस आए अभी? जो आरोप लगाते हो तथा कथित बनाकर खुद ही घटना किए होंगे, ये भाजपा वाले अगर किए होंगे न्याय यात्रा छोड़ करके, आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करके वो बाहर चले गए हैं। बलपुर की बात करते हो, बलपुर की बात करते हो, कुलदीप सेंगर की बात करते हो, वो चिन्नर स्वामी की बात करते हो, बेसर्मी की संदेश खाली, संदेश खाली, शांति से सुनो पहले, मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया। संदेश खाली पे मुंह बंद करिए, ये कम से कम इसमें कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, इसीलिए तो बंद है। कुछ मिला भी या नहीं मिला, कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? वो बोल दीजिए चौथे पास राजा से टिकट कटा ले, अपराधी के साथ, कांग्रेस के साथ, अगर आप जनमुक्ति हो वर्सेस चलाने से ज्यादा आपकी पीआरसी मिलती हो तो ठीक है, अगर मुद्दे की बात हम लोग करेंगे ज्यादा गंभीरता है। अच्छा एक मिनट शांति जी, आपने कहा ना कि वो सीटें का फॉर्मूला बता दें, वो बता देंगे, वो कह रहे हैं कि आपके सहयोगियों ने आपको सीटें दी या नहीं दी, वो कह रहे हैं, वो इतना बता दो बस। नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में, केरला में, ये अपना बता दे, केरला में कितने आ रहे हो, आंध्रा में कितना आ रहे हो, आप राहुल जी जिस सीट पर चुनाव लड़े थे जो सीपीआई ने, तो आपके खिलाफ उसी सीट पर जो है आपका, ठीक है वो कह तो रहे हैं कि वायनाड भी लड़ेंगे और अमेठी भी लड़ेंगे, सब जवाब दूंगा। त्रिपाठी जी बोलेंगे, अब त्रिपाठी जी बोलिए। जी सर, अभी तक हम लोग 195 टिकट की बात कर रहे थे, बात ये आई कि नितिन गडकरी जी का टिकट कट गया, भाजपा को पंडित जी का वो चाहिए लेकिन पंडित जी का दमदार नेता नहीं चाहिए। समझिए पंडित को, ये किसने बताया आपको गडकरी जी का टिकट कट गया? ये बुजुर्ग गडकरी जी का टिकट कैसे कट गया? यहाँ पे बैठ करके कुछ भी बोल देंगे, ये किसने बताया? ये हरकत कर रहे हैं आपको, त्रिपाठी जी किसने बताया गडकरी जी का टिकट कट गया? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आपने कुछ बोला ना वो बताओ। अरे सर रिक्वेस्ट है, इस आदमी का मुंह बंद कराइए, अभी मैं उस तरीके से बोलूंगा। संयम के साथ त्रिपाठी सर प्लीज, वो आपके साथ शालीनता से बात करें तो आप भी प्लीज। नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सोर्स क्या है कि आपने बता दिया नितिन गडकरी का टिकट? मेरी बात शालीनता की बात है, यही शालीनता बिल्ली खम्मा नोचे वाली हालत क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा जो है निकृष्ट काम है, नीचता का काम है कि आप किसी को बोलने में डिस्टर्ब करें। मैंने तो इनको सुना ना सर, ये शांति से सुन नहीं सकते, इतना प्रेजेंट नहीं है। अब ज्यादा सर प्लीज आप उनको बात रखने दीजिए, त्रिपाठी जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ अब, और इसके बाद जो है रुद्र प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए त्रिपाठी जी, अब पूरा वक्त आपका। जी थैंक यू। तो अभी सर हम ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी इतना बड़ा चेहरा है पूरे देश में, आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ काम बता सकती है तो एनएच बताती है, वो कभी इतने किलोमीटर रोड बनाए तो वो विभाग जो है नितिन गडकरी जी का, अगर जो है जहाज रानी का विभाग उनके पास था अभी तक, तो जो महत्वपूर्ण काम ये बताते हैं वो सारा विभाग जो है नितिन गडकरी जी के पास है, और उनका टिकट आप पहले राउंड उसमें नहीं घोषित करते हैं, क्यों भाई? काहे लिए उनसे क्या एलर्जी है? आप उनको क्यों दबा रहे हो? इसीलिए तो पंडित जी है,
आपको पंडित जी मतलब मुक्त मजदूर चाहिए कि मजदूरी भी देना ना पड़े, आप जो है उसकी उससे मजदूरी कराइएगा, उससे प्रतिनिधित्व दे दीजिएगा। आपने तुम व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा देने जा रहा हूँ, सुनिएगा। आपने पूरे भारतवर्ष से भाजपा में ब्राह्मणों की लीडरशिप खत्म कर दी। आप केशवनाथ त्रिपाठी जी थे, उनका कहा 75 साल का क्राइटेरिया बाहर, मोहनदास पांडे सॉरी कलराज मिश्रा जी उनको बाहर, मुरली मनोहर जोशी जी बाहर, इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों के चेहरे थे भाजपा के अंदर, उनको जो है बड़े तरीके से निपटाने का काम जो है ये अडानी के त्रिपाठी जी, त्रिपाठी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, एक मिनट फिर वैसे समझ रहा है सर, जाटव जी एक सेकंड त्रिपाठी सर आप विद्वान प्रवक्ता है, वैसे फिर भी मैं महाराष्ट्र और बिहार फिलहाल प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ सर बिल्कुल हाँ, बिल्कुल शांता जी प्लीज जल्दी बात करके प्रताप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। 195 की लिस्ट मैंने जो है पढ़ के समझ बैठा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब बड़े बड़े चेहरों के नाम घोषित कर रहे थे तो आप बाहर ऐसे इकलौती तो क्या उनकी सीट में भी संशय है क्या, नितिन गडकरी जी की घोषित कर देते तो कम से कम ये संदेश तो जाता। लिस्ट में किसका नाम रखें किसका नहीं आप तय करेंगे। सर नितिन गडकरी जी की और मोदी जी की खींचतान तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी को मोदी जी लगातार जज्जत करने का काम करते हैं। शांता प्रकाश जी प्लीज जल्दी से फिर मैं रुद्र प्रताप, आपने भी पूरी बात रखी ना, देखिए डॉक्टर साहब भी वेट करें प्लीज। कांग्रेस के हमारे जो साथी प्रवक्ता है इन्होंने तो राहुल गांधी जी का जो सारा मिशन है उसी को फेल कर दिया, क्योंकि राजीव राहुल गांधी जी का जो मिशन है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लेकर के है, और इन्होंने बात कर रख दी है आज ब्राह्मण की कि ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और इस बात से शायद समाजवादी पार्टी भी नाराज होगी और कांग्रेस भी नाराज होगी, क्योंकि इन दोनों का जो मकसद है नहीं आप कहोगे त्रिपाठी जी अभी पीडीए का नारा भी लगा देंगे, मगर त्रिपाठी जी ने ब्राह्मणवाद की बात कहकर के ये बात जो है उनकी उलट फेर कर दी है, इसमें त्रिपाठी जी हो सकता है जवाब ना देना पड़ जाए उन लोगों को। नहीं मैं बताता हूँ, राहुल जी अगर पीडीए की बात करते हैं जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगड़ों की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जो जनरल पीछे रह गया है उनकी भी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप एक्सरे करिए तब बीमारी का पता चले ना, उसमें वो किसी के स्पेशल की बात नहीं करते हैं। आप जब जातिगत जनगणना करेंगे तो पंडित जी कितने गरीब हैं ये भी पता चलेगा, वो भी आंकड़ा निकल कर आएगा। अच्छा ठीक है ठीक ठीक। और एक बात सर, अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी पीडीए का, तो पीडीए में सर अखिलेश जी का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा एक का मतलब अगला भी हो सकता है। हाँ, अगला भी हो सकता है, संख्यक भी हो सकता है, जहाँ डेफिनेशन आपको चेंज करनी हो वहाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 होगा ओके सर, आप अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले बोल रहे हैं हम करवाएंगे जातिगत जनगणना करवाओ, कोई दिक्कत, एक मिनट रुकिए ना त्रिपाठी जी, आप एक मिनट रुकिए ना रुद्र प्रताप जी के पास आने दीजिए, जात पर ना पात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा था आपका। खैर रुद्र प्रताप जी, ये जो लिस्ट जारी हुई है वो ये कह रहे हैं कि कई चेहरे जो हैं जिनका नाम का ऐलान हो सकता था उनका नाम का ऐलान नहीं किया गया, और वो हैवीवेट बड़े चेहरे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तिलक जी, हम इस पूरी चर्चा में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया कि ये लिस्ट पे चर्चा हो रही थी कि किस बात पे चर्चा हो रही थी, थोड़ा अब त्रिपाठी जी जिस बात की बात कर रहे हैं उस बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि जब नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की लिस्ट नहीं जारी करी गई है तो उनका नाम कहाँ से आएगा, और अगर महाराष्ट्र से हम कह रहे हैं अगर नितिन गडकरी जी का टिकट कट भी जाता है तो नितिन गडकरी जी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो त्रिपाठी जी क्यों परेशान हो गए? त्रिपाठी जी की जो 17-18 सीट यूपी में मिली है उसके नाम की घोषणा करें, वो अपनी चीजों पर करें। देखिए बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो दो कदम आगे का है,
लोग अनुमान लगा रहे थे कि 100 सीट या 110 सीटों के नाम की घोषणा होगी और आपने देखा होगा वो नाम की संख्या 195 हो गई और 195 में अधिकांश वो सीटें हैं जो बीजेपी पहले से जीती हुई है और अगर दिल्ली को आप छोड़ देंगे तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। अब दूसरी बात होती है कि जो भी उनके अपोनेंट हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, क्योंकि 195 सीट लगभग मान के चलिए आधे से ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज, उन्होंने इस चीज को बहुत अंडरलाइन करके एक बात करी है कि जो ओबीसी की बात हो रही थी कि ओबीसी की जो सीटें दी गई हैं वो 28% बनती हैं, तो ओबीसी का तो 27% का आरक्षण की बात होती है, 28% तो उन्होंने सीट दे दी है। दूसरी चीज, उन्होंने इसको इंप्लाई किया है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को उन्होंने कितनी सीटें दी हैं, साथ में महिलाओं की भी बात उन्होंने कर दी। सपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि चलिए कम सीटें दी है, हम भी इस बात को कहते हैं कि उस सीटों की संख्या और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये आने वाले पार्टी और राजनीतिक दलों के लिए तो उन्होंने एक लाइन खींच दी ना, अब आप उससे ज्यादा देख करके दिखाइए तो माना जाएगा कि आप उसके बहुत समर्थक हैं। दूसरी, अभी दुबे जी बता रहे थे सपा वाले कि ये सीटें हार रही हैं, तो आप भी गौतम बुद्ध नगर में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में जो हारने की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में तो सपा के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ढूंढने से कई लोगों के से कहा जा रहा है वो बोल रहे हैं हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये जो दावे हैं वो दावे में कुछ आधार हो तब तो बात बनती है। ये जो फॉर्मूला है, मैं रुद्र प्रताप जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, 195 में से जो महिला 28 और दावा ये 47 युवा में राजनीति में अलग अलग पैमाने हैं, है ना, कोई 60 साल का भी युवा है 50 साल का, और फिर वो ठीक है वो अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन ओबीसी 57 27, एससी और एसटी 18, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है कि नहीं? जी, इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखा भी गया है और उसको बार बार अंडरलाइन किया गया है कि आप उस चीज को प्रमुखता से देखें। जो ओबीसी की बात करी जा रही है, ओबीसी का जो परसेंटेज इसमें बैठ रहा है वो 58% बैठ रहा है, और जो उन्होंने 47 सीटों की बात कर रहे हैं युवा की, वो 50 साल से कम उम्र के लोगों की है, और उसको उन्होंने बाकायदे अंडरलाइन किया है कि ये चीजें इन लोगों के लिए दी गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो एक कदम इसमें आगे हैं, अब आपको इससे बेहतर करके दिखाना है। डॉक्टर साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि अब आप वो लकीर जो खींची गई है उससे लंबी लकीर खींच के दिखानी है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि पीडीए वाला मसला यहाँ पे भी दिखाई देता है जो आप लोगों का सपना है, उस टाइप का कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारा जो पीडीए का सिस्टम है, हमने अभी तक जो 33 सीटें 31 सीटें डिक्लेयर की हैं, उसमें निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि पीडीए है। नहीं, वो तो मैंने राज्यसभा चुनाव में देखा था आपका पीडीए, वो राज्यसभा चुनाव में सबने पीडीए देखा था कि आपने फॉर्मूला लागू किया था। राज्यसभा चुनाव अलग है, लेकिन अच्छा अगर आपने वहाँ देख लिया, सॉरी अगर आपने वहाँ देख लिया तो जब एमएलसी के पिछली बार चुनाव हुए थे वहाँ हमने 2 मुस्लिम समाज से एमएलसी दे दिए थे, तब किसी को दिखाई नहीं दिया था? नहीं, बिल्कुल दिखाई दिया था। देखिए, एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो अलग क्राइटेरिया से होते हैं। अच्छा, वहाँ पीडीए का फॉर्मूला लागू नहीं होता। लेकिन जो मेन संसद अभी लोकसभा मेन है, विधानसभा मेन है, यहाँ पे हमारे प्रत्याशी कितने होते हैं वो देखने वाली बात है कि वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व जो है पीडीए का कितना है, तो वहाँ पर हमारा 101% हम आपको कह सकते हैं। मिलाकर वो तैयारियों का जिक्र कर रहे थे रुद्र प्रताप जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका इच्छा है, आपका मन है, तो आप ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर एक नजीर साबित कर दो। नहीं नहीं, हमारा महिलाओं को जो टिकट है, हमारी जो पार्टी गाइडलाइन तय करेगी उसके अकॉर्डिंग हम वो उनको सीट देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम किसी के 33, 40, 50 या 10 और 5 के हिसाब से नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सीट देंगे, इतना है और ये चलता है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया था कि ये हिमायती है उसके कि 33% चाहिए, तो फिर जब आप किसी चीज को बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं और उस चीज को आप फॉलो नहीं करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें डाउट खुल जाता है। और रहा अभी उन्होंने बोला कि गौतम बुद्ध नगर में मेरे प्रत्याशी नहीं है, मैं उनको याद बताना चाहूंगा कि हमारे पास पूरा शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, पैनल बन चुका है, 8 से 10 लोगों का लिस्ट है, उसमें से हम फाइनल मुहूर्त निकाला आपने किसको हमें देना है।
कोई मुहूर्त निकाला आपने, कब तक जारी कर दो? नहीं नहीं, तो अभी अभी ये डिक्लेयर 31 डिक्लेयर कर दिया, आगे भी हम 31 डिक्लेयर कर देंगे, उसमें हमें कौन सा दिक्कत है। ठीक है रुद्र, आप जल्दी से फिर त्रिपाठी जी को पूरा वक्त। मैं तिलक जी बस वही बता रहा था कि जो दुबे जी जिस बात को कह रहे हैं, जिन अभी आपने प्रत्याशी घोषित तो किया नहीं और आप उसमें जीत का दावा कर रहे हैं, उस बात पे मैंने कहा था कि पहले तो आप प्रत्याशी घोषित करिए ना, आप प्रत्याशी लाइए फिर घोषित करिए। तो ये जो विश्वसनीयता है ना, जो आपकी बातों के दावे हैं, यहां खोखले साबित होते हैं कि जहां आपके प्रत्याशी नहीं है, जहां आपने कुछ नहीं करा उसके बाद भी आपने जैसे 8-10 लोगों सीटों के नाम बता दिए, अभी आप बता नहीं पाएंगे कि वहां आपकी तरफ से चुनाव कौन लड़ने वाला है, या उसमें से बहुत सारी ऐसी सीट होंगी जो सपा खुद नहीं लड़ रही होगी, कांग्रेस के पास होगी। तो कहने का ही मतलब है कि अगर आप एक ही प्रदेश में आपका संगठन है, एक ही प्रदेश में आपकी पार्टी लड़ रही है, तो अगर आप उस बात को उठाते हैं तो उसके तथ्य तो मजबूती के साथ रखिए कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास पड़े, क्योंकि दो चुनाव हुए हैं, आप 5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं जो 14 और 19 के चुनाव हैं, और अगर आप 80 की बात करेंगे, 50 की बात करेंगे, 60 की बात करेंगे, तो वो भरोसा लोगों के अंदर कैसे आएगा कि आपकी बात में वो मजबूती है, आपकी बात में वो दम है। दूसरी तरफ बीजेपी जब अगर 80 की बात कहती है तो उसकी बात पर लोगों को इसलिए भरोसा है क्योंकि उसने 73 सीट तो जीत रखी है, 73 सीट जीती है, इसके पहले उसने 67 सीट जीती। चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? नहीं, बात उसकी नहीं है, मैं चुनाव कराने न कराने की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं दावों की बात कर रहा हूँ कि दावों की जब बात होगी तो पिछले रिकॉर्ड त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे थे, त्रिपाठी जी मुस्कुरा क्यों रहे थे रुद्र प्रताप जी की बात पर? नहीं सर, इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषक को अगर सर मैं ये कह दूं कि भाजपा प्रवक्ता या भाजपा समर्थक की तरह बात कर रहे हैं, जिसमें कोई तथ्य बार बार कर रहे हैं, इनकी बातों में एक भी तथ्य नहीं है, जितनी बात कर रहे हैं सारे तथ्य ही। अभी कह रहे हैं भाजपा के पास 73 सीटें हैं, इनको पता नहीं है कि 15 सीटें जो है सपा और बसपा ने मिलकर जीती थी, दो बाद में उपचुनाव में हार गई थी। कैसे आंकड़ा दे रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, नागपुर से लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, रामगढ़ में। उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि 58% ओबीसी जो है दे दी। अरे महाराज कहे झूठ बोल रहे हैं भाई, आप पढ़ो लिखो कुछ, ऐसे आ गए बस ऐसे भाजपा के समर्थन में बोलना है कि मतलब कुछ ठंडी वंडी हो गई है का, क्या बात करते हैं, कुछ तो कुछ तथ्यात्मक बात रखिए। और अभी कई गैर तथ्यात्मक बात कही ये वो, पर अगर अतीत की बात करें तो 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कितना था, था मुझे जहां तक याद है कि 15-17 के बीच में था, तो वो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और ये वो मान लेते कि हमारे पास इतना वोट है, हम बहुत करेंगे, 5% बढ़ जाएंगे। और वो जो है उसके पहले जो विधान 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो है इनके पास मात्र 11.5% वोट थे, तो मतलब उनको हार के बैठ जाना चाहिए। अरे जनता है, और सर हम लोग 2019 में भी डिबेट में बैठते थे और जो है लोगों के बीच जब निकलते थे सर हम लोग सही सही बोल नहीं पाते थे, अगली बार पुलवामा के नाम पर ये लड़ लिए थे, सैनिक बेच लिए थे, सैनिक का जो है राहुल जी ने कहा था कि शहीदों के खून की दलाली, तो ये सब अगली बार तो खून की दलाली कर लिए थे, अब की बार कह रहे हम राम जी को बेचेंगे। सर आज तक पुलवामा 5 साल हो गए, आज भी पुलवामा का तक बाहर नहीं निकल पाया। आप अपने अपने चुनावी एजेंडे पर आइए ना, वो आपसे ये पूछ रहे थे कि आपकी क्या तैयारी है, आप मुद्दे गिनवाने लग जाते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों की सीट शेयरिंग हो पाई या नहीं हो पाई, आप नाराज हो जाते हैं। नहीं सर, हम नाराज नहीं होते हैं, हम जब ये लगता है कि आप जब मोदी जी अपने आप में खुद 56 इंच का सीना लिए टहल रहे हैं तो आप जो है तुम हिलाते कहे पहुंच जा रहे हो भाई, जबरदस्ती की मदद करने के लिए कहे तुम हिलाते पहुंच रहे हो। अरे वो 13 आदमी है उसको लड़ने दीजिए, तुम हिलाते उनकी मदद मत करिए, आज जनता की मदद करिए, कांग्रेस की भी मदद मत करिए। आज बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, आज जो है महंगाई का क्या कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें क्या डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से रुतपुर आगे की चर्चा ना करके बता रहे हैं। तिलक जी सारी बात यहीं आकर के रुक जाती है कि जब आप अपनी बात ना करके आप दूसरे की बात करते हैं, हम क्या करते हैं इसको त्रिपाठी जी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी एक सीट हो गई है, इस बार वही सीट पता नहीं क्या होगा, उस पर आपकी चर्चा नहीं है, आपकी चुनावी तैयारी क्या है, वही अखिलेश यादव अभी
राहुल गांधी को गाली दे रहे थे, आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले, आप बात बताइए हम क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं चुनाव में चुनाव, आप अपनी पार्टी त्रिपाठी जी एक मिनट, एक मिनट नहीं प्लीज त्रिपाठी जी ऐसे नहीं, त्रिपाठी जी प्लीज जाटव जी एक मिनट रुको ना, फिर मैं फाइनल कमेंट दुबे जी सुनूंगा, एक मिनट रुकिए जाटव जी, बाकी सब ठीक है, लिस्ट आपने कहा लिस्ट बहुत अच्छी है इस लिस्ट को देख के, लेकिन इसमें एक लिस्ट में एक और भी कहानी छिपी हुई है, इस लिस्ट में आपके सभी दिग्गजों के नाम तो हैं, लेकिन एक हैवीवेट सांसद माननीय श्री बिजभूषण शरण सिंह जी वो इस लिस्ट में नहीं है, क्या टिकट कटने वाला है शांत प्रकाश? नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कटना चाहिए कि नहीं, नहीं ये बात मैं क्यों कहूंगा कि कटना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं वो चाल चरित्र और चेहरे वाला मसला भी है ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, देखिए ये बात मैं नहीं कहूंगा, ये तो संगठन तय करेगा, नहीं नहीं और सर आपका अटल जी का कहना तो चाल चरित्र और चेहरा, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, बृजभूषण को टिकट मिलेगा लगता है आपको, और अगर मिलेगा तो होल्ड पर है मामला क्यों? देखिए अच्छे ये जो लिस्ट आई है 195 जो हमारे उम्मीदवार है वो बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, अच्छे काम कर रहे हैं क्षेत्र में, इस कारण से उनको मिला, और आने वाले समय में जो दूसरी लिस्ट आएगी वो भी इसी प्रकार से चिन्हित करके, नहीं नहीं मैं बृजभूषण जी की बात कर रहा हूँ, माननीय सांसद व्यक्तिगत जी। नहीं व्यक्तिगत नाम पर मेरे से नहीं आप पूछो, अच्छा बृजभूषण की बात ना करें, नहीं जो भी है व्यक्तिगत मैं क्यों किसी के बारे में क्या, अच्छा मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम भी नहीं है इस, मैंने क्या कहा आपको कि व्यक्तिगत मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये करना मेरे अख्तियार में भी नहीं है, जो संगठन ने तय किया है हम संगठन, क्या वाकई में मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम कटने वाला है टिकट के लिए? ये तो समय आएगा तो पता लगेगा, अगर वो टिकट की योग्यता रख रहे हैं तो वहाँ, नहीं तो उनको संगठन में कहीं ना कहीं उचित वरुण गांधी में योग्यता नहीं है, और भी जगह है, वरुण गांधी में योग्यता नहीं है क्या? मैंने क्या कहा कि कहां किसकी क्या योग्यता की आवश्यकता पड़ रही है वहां पर उसको लगाया जाएगा ना, हो सकता है कि उनको किसी और जगह पर लगाया जाए, मगर मुझे ऐसा मैं इस मामले में कुछ नहीं कह पाऊंगा, जो भी चीजें हैं वो संगठन तय करेगा, इस तरीके से नहीं कह सकते कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, नहीं आपको हैरानी नहीं है वरुण गांधी मेनका गांधी दोनों का नाम नहीं है लिस्ट में? कोई हैरानी नहीं आपको पहले से पता है, नाम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा एक बात भी काम कर रहे हैं, और जाटव सर अच्छा आपने कहा संगठन पे बात करो, चुनाव लड़के भी, अच्छा इसलिए जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है क्योंकि आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस टाइप का है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सर कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? फिलहाल तो एक दिया है ना, एक दिया है केरल से राइट, जो भी है हाँ तो एक है ना सर वो, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो जैसे जहाँ पे योग्यता है वहाँ पे देंगे ना, अच्छा कितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस जो है वो अभी इनके भी देख लेंगे कौन कहाँ किसको कितने दे रहा है, हर एक चीज का ख्याल रखना है और हर किसी को साथ लेकर के चलना है, अच्छा तो मतलब केरल में योग्यता है या नहीं, हमारे साथ में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक ठीक फाइनल कमेंट दुबे जी आपका, वो ये कह रहे हैं योग्य व्यक्ति को हम टिकट देते हैं, और बृजभूषण जी को लेकर उन्होंने कहा नो कमेंट, वरुण गांधी को लेकर नो कमेंट, और मेनका जी को उनका नो कमेंट, व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से आजमगढ़ पक्का है ना नेताजी का? देखिए तिलक जी हाँ। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मैं बड़ौदा में बैठा हूँ, यहाँ भी मेरा घर है, बड़ौदा जैसे शहर में इनके संगठन में इतना आंतरिक विरोध है क्योंकि तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसके लिए, पर इनको जयशंकर जी को लाना पड़ रहा है इसी तरीके से, मैंने जो तथ्यात्मक बात की थी शायद जो विश्लेषक जी हैं उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा कि मैंने क्यों कहा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं दुबे जी बात तो आपकी आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों के लिए बात की जाती है आप बीजेपी की तरफ क्यों चले जाते हो?
त्रिपाठी जी से पूछो आपकी क्या तैयारी, वो बोले कि बीजेपी हारेगी। मेरी, अरे मैं तो 33 है, मैंने 31 डिक्लेयर कर दिए, मेरे 32 बचे हैं, वो भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। और आने वाले 10 दिन में, आज से 10 तारीख तक मेरे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, इसमें कहां मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। नेताजी लड़ रहे हैं आजमगढ़ लड़ रहे हैं, आजमगढ़ या कन्नौज या दोनों। अच्छा, या दोनों या एक भी नहीं, या दोनों? नहीं, 100% लड़ेंगे, आजमगढ़ और कन्नौज। नहीं, वो गुड्डू जमाली जो कील काटे दुरुस्त किया ना आपने, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं अरे गुड्डू जमाली भाई, गुड्डू जमाली स्टार्टिंग में जब एमएलए के चुनाव थे तब उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त समीकरण नहीं बन पाए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, अभी तो मसला सिर्फ गुड्डू जमाली, वो गुड्डू जमाली मॉडल है, मेरी बात समझ रहे ना सर, एक मॉडल है जिसका मायावती जी प्रयोग करती हैं, और उसमें उसमें आपका नुकसान होता है ना सर। और आपने जमाली लोकसभा नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, अभी अभी एमएलसी जाएंगे या लोकसभा लड़ेंगे वो देख लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ओवैसी जी भी इंतजार कर रहे हैं आपका, समझ रहे ना मेरी बात? नहीं, ओबीसी का कोई यहाँ खेल नहीं है, ओबीसी आए और ओबीसी नहीं, खेल नहीं है वो, आपकी बात ठीक है, लेकिन खेल बिगाड़ने का, खेल बिगाड़ने वाली बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हे भी ले डूबेंगे इस टाइप का। ना 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 ना, वो भी इसी से कोई खेल नहीं बिगड़ेगा साहब, चलिए खेल नहीं बिगड़ेगा, ठीक है दुबे जी, आप कह रहे हो नहीं बिगड़ेगा, तो आपका एम और वाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और जाटव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने चर्चा को चर्चा की तरह किया और अपना अपना विश्लेषण दिया, लेकिन ये बीजेपी है, यहां पर कब कहां कैसे कुछ हो जाए कोई नहीं जानता। फिलहाल पहली लिस्ट कई ट्विस्ट, मेरे साथ इतना ही, अब इंतजार होगा दूसरी लिस्ट का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।